बस अगर ये हमारी चटनी हम थोड़ी डालेंगे सॉस नहीं चटनी ओके द टेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स क्या हाल चाल है दिस इज योर बॉय मूसा खाना वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। अभी सीन ये है कि ये खिड़की मेरी खुली हुई है ना तो अब ना हमारी जो कैटो है ना थोड़ी आवारा हो गई है उसको ना कोई वही जो मैंने नहीं वीडियो में दिखाया था बिल्ला आ गया था अब वो उसका दर बदर बॉयफ्रेंड बन गया तो दोनों रंग रलिया मनाते रहते हैं। वो सुबह जैसी उठती है ना कैटो फजर की अजान जिस टाइम पे होती है ना उस टाइम पे उसकी म्याऊं भी शुरू हो जाती है तो हमें ये खिड़की खोलनी पड़ती है। अब वो खिड़की खोलते हैं वो गायब हो जाती है वो दोनों यूं लोटपोट होके जा रहे होते हैं। गले पे ना बेल पहनी हुई इसके बॉयफ्रेंड ने ना तो वो छन 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 करता हूँ घर में ही आता रहता अब रोज ही आ जाता है। मैं सो रहा होता ना बेड पे तो छन छन की आवाज आ रही होती है ख्वाब में मुझे लग रहा था मंजलिका आ रही है आंखें खोलता हूँ तो बिल्ले का मुंह होता आगे। उसने रोज का ही बना लिया मैं कैटो को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने काम पे जाना तो वो आई नहीं रही अब हमने दरवाजा बंद करना है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं सोचूं दरवाजा बंद करके चला जाऊं फिर क्या कर सकते हैं आज लंबी डेट हो जाएगी आज नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। कैटो एंड टाइगर टाइगर रख दिया उसका नाम मैंने कैटो किधर गई बगैर है तो बड़ा नाजुक सूरत हाल हो गया अपने बिल्ली गायब हो गई है। कोई नहीं अब हमें बंद करके जाना पड़ेगा क्या कर सकते हैं धूप में मरी रहे। बहुत सिंगल थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ बट शिट Here we go again. Something I felt I should address. Someone commented that, "Yeah, you know, I love your vlogs with Fizza, whatever. You shouldn't showcase with your wife. Allah ko nahi pasand hai. Qiyamah wale din us bande ki shakal bhi nahi dekhna chahenge jisne apni biwi ko dikhaya hai aur jahannam mein jaoge aur ye." Mera sirf ek sawal hai aap logon se. Let's say main apni biwi ke saath Pakistan mein bhi hyperstar ya kahin pe ja raha hu grocery shopping karne ja raha hu movie dekhne ja raha hu kuch bhi hai. Agar biwi ne dupatta scarf ya hijab pura abaya nahi liya hua to showcase to wo bhi ho rahi hai. Ab usme Allah Taala ne ye to nahi kaha na ki yaar कितनी इंटेंसिटी पे शोकेस करा रहे हो। इंस्टाग्राम आ जाता है आजकल हर मर्द की बीवी के पास इंस्टाग्राम भी है इंस्टाग्राम पे सारे उसको देख सकते हैं इजी एक्सेस है। अब आप इंस्टाग्राम को जितना मर्जी प्राइवेट कर दो है तो ना इंस्टाग्राम उसके पास फिर उसका मियां भी लगाता है उसके साथ पोस्ट है। व्हाई डज दिस लॉजिक ओनली अप्लाइज टू यूट्यूबर। मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स के कॉमेंट्स पे लोग डक्की भाई को भी करते हैं इधर उधर भी करते हैं जिस यूट्यूबर ने अपनी थोड़ी यू नो वाइफ को बुलाता है साथ। देखो सबकी जहन्नम और जन्नत की टिकट अपनी अपनी। यू डोंट नो द गुड थिंग्स आई डू यू डोंट नो द बैड थिंग्स आई डू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट समटाइम्स यू नो बट टू ईच देयर ओन आई नो आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग आई एम वेरी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो मुझे लोग ये कॉमेंट पे बताते हैं मुझे पहले 10 साल पहले मैंने चीज सोची भी होती है भाई इट डजंट मैटर टू मी पर्सनली। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये लोग फील भी करते होंगे ना बात की हाँ यार हमारी बीवी आ रही है वगैरह भाई ठीक है इट्स अ चॉइस इफ यू वॉन्ट टू हाइड इट हाइड इट बट डोंट गो एंड बी अ मुल्ला ऑन अदर पीपल कमेंट्स और लाइक इंस्टाग्राम जिनके तुम व्लॉग्स देखते भी हो फिर उनको जाके तुम यू नो सजेशन भी दे रहे हो ये करो वो करो। लिव एंड लेट लिव यू डोंट हैव टू बी अ प्रीचर ऑन समबडीज लाइफ। सबके लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं यू डोंट नो द चैलेंजेस आई फेस्ड आई डोंट नो द चैलेंजेस यू फेस्ड। बाकी बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये क्या ऑफिस जा रहे हैं अभी ठीक है बगाए बगाए गाड़ी जा रहे हैं क्योंकि यार लेट हो रहा है थोड़ा सा। फिर आज का प्लान ये है कि आज मैंने नैंडोज ट्राई करना है मेरा वही दोस्त नूरुल्ला है उसने कहा था यार मेरी तरफ से दावत है नैंडोज अभी यहाँ पे नया खुला है तो उसने कहा यहाँ का जो नैंडोज है ना पाकिस्तान वाले नैंडोज को तो बहुत पीछे छोड़ जाता है तो वहीं पे अभी जाना है लेकिन पहले जरा काम शाम कर लें ऑफिस जाके। सी एट द ऑफिस। तो भी बड़ा मजे का सीन हुआ वापस आया ना तो मुझे ना मियाओ 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 की आवाज आई जा रही पता चला खिड़की पे अभी खड़ी है ये अपनी बिल्किस मेरी कैटो है मैंने आके ना से किया यहाँ पे ना तो फिर भागी भागी आई है अंदर घुसी है करती जैसे ना मर गई और सांस निकल गया उसका अंदर आके ना लोटपोट होना शुरू हो गई फिर खाना दबा दबा के खा रही है पानी पी रही है और मैं जब उस वक्त सब सुबह बुला रहा था चुम्मिया कर करके तो आई नहीं रही थी मेरी तरफ हैं। पहले गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ ठीक है अपने यार के साथ घूमने जब उसने मिस करा दिया तो वापस घर की तरफ आ गई है। दीज होज एंड लॉयल आई एम टेलिंग। मजे की बात अभी फिलहाल ये है कि मैंने देखी नहीं थी मेल ही नहीं चेक की थी और मेरे कुछ पैकेजेस आए हुए हैं नॉट वन नॉट टू बल्कि तीन तीन। इस वाले में बाइक होगी ठीक है तो पहले हम बाइक जल्दी से देख लेते हैं फिर बाकी दूसरे वाले पैकेजेस देखते हैं। अब ये मुझे पता है बाइक ये भी छोटी है ऑलरेडी लेकिन बैगर्स कांट बी चूज़र्स। हां दिस बाइक इज नॉट एक्चुअली दैट स्मॉल वाओ और ये बाइक प्यारी भी है काफी। बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज द बाइक इन क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो ये चेक करो बॉयज एंड गर्ल्स लुक एट दिस ब्यूटी ओ माय गॉड ये भारी है थोड़ी सी उससे लास्ट वालों से ज्यादा भारी है ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द अदर पैकेज। स्वॉर्ड्स होंगे मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो स्वॉर्ड होंगे ये आप अगर कोई एनिमे देखता तो गेस कर सकते किसकी ब्लेड्स हैं ये। ओफ
फज ओ वो ब्रो देयर लाइक एक्चुअली रियली हेवी लाइक ये मैं इससे भाई ये प्रॉपर नाइव्स हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई लव इट. पहली हमारी तलवार है ये बेसिकली मैंने वन पीस की मंगवाई थी. एक ब्लू मंगवाई है जोरो की सोर्ड है सारी. जोरो बड़ा मशहूर होगा जिनको नहीं भी पता ना वन पीस होना ग्रीन बाल वाले को तो देखा ही होगा. ये चेक करो प्रॉपर खताती बताती हुई है इस पर. और ये जो सारी इसके ऊपर चेने लगी हुई ना मैं तोड़ के उतार दूँ. रेड वाली भी आ गई हमारे पास. ब्लैक वाली भी आ गई है. ये ब्लैक वाली तो बहुत सेक्सी है. व्हाइट वाली तो उसके सबने देखी होगी. ठीक है वाओ इतनी बड़ी सोर्ड स्मूथ स्मूथ मटेरियल बॉयज एंड गर्ल्स ये चेक करो जरा. अटैक ऑन टाइटन की सोर्ड. अटैक ऑन टाइटन की जैवलिन की मैंने पिक्चर भी लगाई थी अपने एक वीडियो के थंबनेल पे. ये उसका वेपन है एंड इट्स रियली रियली बिग. दैट्स व्हाट शी सेड. ओए होए 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 ये सारी चीजें है ना बॉयज एंड गर्ल्स सारा मेटल है. ये देखो ये सारा प्रॉपर मेटल है. ये और सेवन डेडली सिंस का वेपन. ये प्रॉपर चाकू है मतलब ये मजाक नहीं है. ये चेक करो जरा ब्यूटिफुल. वाह एक के अंदर और बंद किया. ये हमारे वन ऑफ द फेवरेट फाइनल फैंटेसी कैरेक्टर्स क्लाउड का वेपन है. ठीक है वन मोर सोर्ड लास्ट सोर्ड है बॉयज एंड गर्ल्स. आई थिंक आई एम आउट ऑफ इट. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बॉयज एंड गर्ल्स ये जो सारे वेपन है ना मेरे हाथ में इस वक्त की अमेरिका के अंदर ना इतने महंगे मिले ना यहाँ पे. ये एक एक वेपन ये वाला जो है ये आपको आराम से 40-50 से ज्यादा का मिलेगा. लेकिन सिंस हमने अमेरिका से नहीं मंगवाया अली एक्सप्रेस से मंगवाया है तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. यहाँ सस्ते मिल जाते हैं. एक बंदे ने मुझे कहा था कि लिंक्स लगा दिए करो वेपन के तो मैं लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा सारों के तो यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ. लेट है. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी रात का टाइम हो गया और हम नैंडोज ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं यहाँ पे. मेरा दोस्त नूर है वो भी आता ही होगा तो नैंडोज आई एम वेरी एक्साइटेड. वी आर बोथ वेरी हंग्री. साथ मेरे इस वक्त माई लवली वाइफ फीजा है. नैंडोज जो की अब यहाँ पे खुला है पहले तो पेरी पेरी जाता था ना मैं लेकिन अब नैंडोज की ब्रांच खुल गई जो मैंने शिकागो में देखी थी और कहीं नहीं देखी थी. और अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड दिस नैंडोज इज क्रेजी. I'll be the judge of that. ठीक है your favorite food reviewer. ये मैं डिफेंस वाले नैंडोज में काफी खाने आया. लाहौर से जो वाकिफ होंगे वाई ब्लॉक में जो नैंडोज है बड़ा खाया वहाँ से ना हमने. आज हम इस वाले नैंडोज से खाएंगे पेरी पेरी चिकन. तो अभी एंटर हो रहे हैं. बॉयज एंड गर्ल्स खुशबू बहुत अच्छी है. एंटर होते ही ना मतलब मजा आ गया. सामने सामने बना रहे हैं दैट्स नाइस. बहुत मजे की खुशबू है यार. अंदर एंटर होते ही लाहौर याद आ गया मुझे. बॉयज एंड गर्ल्स हम पहुंच गए यहाँ पे. बस अपने बॉय का वेट कर रहे हैं. वो आएगा तो फिर ऑर्डर करते हैं. लाहौर वाली फीलिंग पता नहीं मुझे क्यों आ रही है. नहीं मैक्सिकन गाने वाने लगे हुए लेकिन मुझे एक स्मेल थी ना दैट फेल्ट लाइक आई वाज बैक इन नैंडोज लाहौर. तो चेक करें बॉय को हमारा कितना रेडी हो गया है. तो हाफ चिकन मैं फिर कर रहा हूँ. ठीक है हाफ चिकन है इनके पास. हम तो माइल्ड करेंगे भाई. मैंने शादी का खाना खाया भी उस दिन. पेट सही नहीं है मेरा उस दिन से. अच्छा उड़ गया हूं मैं. आई वांट द ब्रेस्ट पीस लाइक आई विल डू नो आई लाइक द थाइस टू. Horrible lover of that, but हम उसके बारे में बात नहीं. We won't talk about that. There's a family here. We won't say the name, but they're weird as hell. And let me tell you why. Family दावत पे ना ये लोग गए ना right? So it's like a family gathering. और boys and girls हुआ क्या कि जब इन्होंने ना वो बोटियाँ खा ली ना drumsticks के ऊपर से. Drumsticks की ना हड्डियाँ ना खा के इन्होंने रखा क्योंकि मेहमान आए हुए थे. उन्होंने ना अपने ना किसी बंदे को कहा. उन्होंने कहा अच्छा बेटे ये जो drumsticks है कलेक्ट करके ना धोने के लिए डाल दो. तो ये और फिजा और मामू कहते क्यों. वो कहते हैं दोबारा reuse हो जाएंगे ना. ऐसे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स. बीवेयर लेट है. बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि खाना हमारा आगे है इस वक्त. सो आई गॉट द लेमन एंड हर्ब एक्स्ट्रा हॉट फॉर नूरुल्ला. बॉयज एंड गर्ल्स गार्लिक ब्रेड का टेस्ट टेस्ट करते हैं. 7 out of 10 नॉट बैड. इट्स जस्ट द ब्रेड विद गार्लिक. मैंने कहा था अच्छा ना होना मैंने नूरुल्ला को पकड़ लिया. It doesn't look as saucy as the baby. Yeah, although I did ask them to put it actually. सॉस थोड़ी कम लगी क्योंकि ये हमारी चटनी हम थोड़ी डालेंगे. सॉस नहीं चटनी. But that's good though. I get to decide how much I can put. Okay, the taste is on point. 9 out of 10. Taste इसका पेरी पेरी से बेहतर है. लेकिन थोड़ा गरम ज्यादा होना चाहिए. Another thing I like is सॉस उन्होंने पहले ऊपर नहीं डाली. आपको अलग से दे दी आप डाल लो. Which is fine because like अगर दो बहुत ज्यादा सॉसी हो जाए ना तो फिर बंदा ना जज नहीं कर पाता. पेरी पेरी से ज्यादा डिफरेंट नहीं है. जो टेस्ट प्रोफाइल है वो थोड़ी ज्यादा देसी है. जो पेरी पेरी ना उसकी थोड़ी सी ज्यादा लाइक पोर्चुगीज मैक्सिकन टाइप है. Boys and girls, Nando's खाने का बहुत मजा आया. It was really good. नहीं मुझे लाइक उतना मजा नहीं आया जितना मैं सोचा था. बट इट वॉज स्टिल प्रीटी गुड. इट वॉज वे बेटर देन द लाहौर वन. टेस्ट प्रोफाइल जो थी ना वो एक जो उसमें से एक है ना आ रही थी कोई इस तरह की वो लाहौरी वाली टेन नहीं है तुम्हें जला जो दिया था. आपने करना भाई को. इट कॉस्ट यू नथिंग बट इट हेल्प्स यू बॉय अ लॉट टू कीप मेकिंग दिस ऑसम व्लॉग्स. अपने व्लॉग्स को ऑसम कह रहा हूँ. तुम कह दो इट हेल्प्स.
His awesome vlogs. His awesome vlogs. Okay, thank you. Anyways, boys and girls, I'll see you guys in the next vlog. Come here, girl.